ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके मैं मनमोहन गौड़ फिर से आपके लिए एडब्ल्यूएस की नई वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है ठीक है गाइस। ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। मैंने आपको बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वर्क करती है वो मैंने बताया था, पर गाइस मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर क्लाउड कंप्यूटिंग सारा वर्क करती है। ठीक है, तीन फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा, इससे आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे ही पुटअप होते हैं। ठीक है, मैं तीन सर्विस आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस देखिए, सर्विस ऑफ द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीन मॉडल्स होते हैं गाइस जिसमें गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हम बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, साथ सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज गाइस, यही तीन क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, तीन सर्विसेज होती है जिसमें सारी मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, ठीक है गाइस, जिसपे आप इजिली इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको गाइस एक डायग्राम और शो करता हूँ जिस पर आपको थोड़ा सा देखिए गाइस, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विस गाइस, यहाँ डिपेंडेंसीज फॉलो होती है। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कुछ चीज होते हैं। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में गाइस वो सर्विसेज आती है जैसे कि आपकी जीमेल्स होती है, क्या होती है, जीमेल होती है, आपको केवल यूज करनी है वो कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या उसके अंदर पीछे वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, क्या कोड रन हो रहा है, मतलब आई मीन टू से उसे सपोर्ट का, एप्लीकेशन का, डेटाबेसिस, सिक्योरिटी, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सारा वर्क कौन करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग ही करती है, जो आपने जहां से क्लाउड कंप्यूटिंग ले रखा है। ओके, फिर आता है आपका, मतलब इसमें जो थर्ड पार्टी होती है सारा वर्क वही करती है, आई मीन टू से जैसे कि मेरे जो क्लाउड ने, मैंने क्लाउड गूगल क्लाउड ले रखा है, मैंने अमेजोन क्लाउड ले रखा है, कोई भी मैंने क्लाउड ले रखा है, अभी मैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड वेंडर हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस जैसे सॉफ्टवेयर एज सर्विस यहाँ पर आती है। ठीक है, जिस पर एप्लीकेशन, डेटा सिक्योरिटी, जैसे जीमेल है आपकी, आप केवल जीमेल की एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, उसके पीछे जो सिक्योरिटीज रन करती है, डेटाबेसिस, सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग जो कर रहा है वो थर्ड पार्टी कर रही है, मेरा क्लाउड कर रहा है। ठीक है, आपका आता है प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, जिसपे एप्लीकेशन और डेटाबेसिस पे, इन दोनों पे आप वर्क करते हो, बाकी सारी पर जहाँ पर ग्रीन सिग्नल यहाँ पर शो हो रहा है, ग्रीन लाइन, ये आपको सारा करता है, क्लाउड सपोर्ट करता है आपको यहाँ पर। एप्लीकेशन का मतलब जैसे कोई जीमेल ऐप पर कोई एप्लीकेशन ले ली है, उस पर वर्क आप खुद कर रहे हो, उसका डेटाबेसिस भी आप खुद कर रहे हो, लेकिन जो सर सपोर्ट कर रहा है, जो सिक्योरिटी दे रहा है, सर्वर दे रहा है, वर्चुअलाइजेशन दे रहा है, स्टोरिंग दे रहा है, कौन दे रहा है, नेटवर्क दे रहा है, मतलब एक थर्ड पार्टी दे रहा है, क्लाउड दे रहा है। ठीक है, कोई भी क्लाउड यहाँ पर आप हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या आता है, एप्लीकेशन, डेटा, सिक्योरिटी, सर्वर्स, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मेरी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, मैंने उसे खुद बनाया, डेटाबेस की तरह खुद सिक्योरिटी लगाई, इसमें खुद सर्वर चला रहा हूँ मैं अपना, लेकिन मुझे अगर उस कोड को रन कराना है इंटरनेट के ऊपर, तो वर्चुअलाइजेशन की मुझे जरूरत होगी, सर्वर्स मुझे चाहिए होगा, स्टोरेज मुझे चाहिए होगा उसका बैकअप करने के लिए, नेटवर्किंग मुझे चाहिए होगी सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें कौन पार्ट करता है, क्लाउड करता है। तो गाइस केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है एक डायग्राम के थ्रू, अगर आपको समझ में आया होगा तो देर हम थोड़ा सा थ्योरी में कवर अप करते हैं इस चीज को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, सर्विस इज द मेन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड सर्विसेज, ऑन डिमांड सर्विसेज, मतलब मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आप डिमांड करेंगे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इजीली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मैंने आपको भी बताया कि एप्लीकेशन, डेटाबेस, सिक्योरिटी, तो ये देखिए जनरली इंक्लूड दी सर्वर्स, क्या बोल रहा है, मॉडल, सर्वर्स, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजों पर हम खुद वर्क करते हैं, देन सपोर्ट कौन करता है, क्लाउड करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी कंपोजिटी मैनेज दी थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ मैनेज करती है थर्ड पार्टी कौन, मैंने आपसे भी बताया क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेज करती है थर्ड पार्टी, सिक्योरिटीज को, सर्वर को, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, यहीं पर मैंने बताया कि जो इसमें होता है थर्ड पार्टी से मैनेज करती है इजिली। ठीक है, अब आता है अपना साथ सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज इसमें सारी चीजें कौन मैनेज करता है, थर्ड पार्टी करती है, मैंने आपसे इसका एग्जांपल दिया था जी मेल्स। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, मैं आपको एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर पास और जो लास्ट होता है जो कहता है गाइस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, गाइस ये डिपेंडेंसीज करती है, जैसे मुझे जी मेल चाहिए मैंने आपको बताया ना अभी, तो सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, थर्ड पार्टी करती है। फिर आपका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग कभी आई टी के अंदर बिलोंग करेंगे, आई टी काम करना स्टार्ट करेंगे,
तो एप्लीकेशन डेटाबेस पे आप खुद काम कर सकते हो, देन बाकी सब पे क्लाउड कंप्यूटिंग थर्ड पार्टी काम करती है। इस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, एप्लीकेशन मेरी खुद की। जैसे मैंने कोई एक एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, डेवलपर क्या करते हैं सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, डेटाबेस खुद लेते हैं, सिक्योरिटी खुद लगा देते हैं उस पर, एक सर्वर पे लगाते हैं, लेकिन जब उसे कोड को रन कराना होता है तो कैसे करते हो, तो एक वर्चुअलाइजेशन पे कराते हो ना, उसमें क्या होता है थर्ड पार्टी टूल की नीड्स होती है। तो सर्वर स्टोरेज कौन देगा उसे, थर्ड पार्टी देगी मुझे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये गाइस मैं बेसिकली तीन डिफरेंस आपको ये चीजें का बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। देन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली क्या है ये, जो जिसमें मेरी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है उसी चीज को मैंने डिस्क्राइब करा है आपको इसमें, ठीक है। जैसा आपको ये डायग्राम भी मैंने शो कराया दोबारा से, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, पैकेजेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन स्टैक, जो सर्वर्स होता है अभी मैंने आपको बताया, इसमें एंड यूजर पर काम करता है ये एप्लीकेशन, डेवलपर काम करता है प्लेटफॉर्म सर्विसेज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पर, नेटवर्क एक्सेस करता है, सर्वर स्टोरेज नेटवर्क, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब लोग मुझे काम मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये क्या है, आज हमने क्या कवर करा है, हमने तीन ये मॉड्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर कवर अप करने करें, ओके गाइस। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर साइबर सिक्योरिटी, ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू गाइस।